बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ में जारी विरोध के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की अधिकांश मांगे सरकार ने मान ली है। सरकार की तरफ से मांगों पर सहमति जताने के बाद आज किसान धरना खत्म करने को लेकर फैसला कर सकते हैं। विरोध कर रहे किसानों की प्रमुख मांगों में पंजाब में कृषि नीति लागू करने की मांग की गई थी। लोन के वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति बनी है। इस पर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1600 पन्नों के कृषि नीति मसौदे को संशोधित करने के बाद 30 सितंबर तक किसान यूनियन के नेताओं को भेजेगी। बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन PKMU के किसान नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कृषि नीति का मसौदा लगभग तैयार है, इसे 30 सितंबर तक किसान यूनियन के नेताओं को भेजा जाएगा। नई कृषि नीति को लागू करने से पहले इसके मसौदे पर किसानों की तरफ से दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक के बाद किसान नेताओं ने भी दावा किया है कि राज्य सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि सहकारी बैंक से किसानों द्वारा लिए गए ऋण के लिए एक मुश्त निपटान यानी कि OTS नीति लाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उन किसानों और खेत मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं पर सर्वेक्षण कराने और उनके परिवारों को मुआवजा भी देने पर सहमति जताई है। जिन किसानों ने साल 2010 के बाद कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली थी, तो जिस तरीके से किसानों के लिए अच्छी खबर पंजाब से निकलकर सामने आ रही है, कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी था और ऐसे में सरकार की सहमति बनने के बाद आज किसान अपना प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो ये बड़ा फैसला है, बता दें कि वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति बन चुकी है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।